हेलो बच्चों, वेलकम। आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है। मैं आप लोगों का टीचर प्रदीप शर्मा आप लोगों का आपके इस तीसरे लेक्चर में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके दोस्तों, तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। संविधान की प्रमुख विशेषताएं में सबसे पहले आता है प्रस्तावना। ओके दोस्तों, और प्रस्तावना में सबसे पहले आता है भारत, प्रस्तावना आता है सबसे दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो देखिए, इसमें हम देख लेते हैं, भारतीय संविधान तत्वों और मूल्यों भावना के संबंध में अद्वितीय है। भारतीय संविधान तत्वों और मूल्यों मूल भावना के संबंध में अद्वितीय है। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं, यानी कि अलग अलग स्रोतों से लिया गया है। भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों से संविधान से अलग पहचान प्रदान करते हैं। यानी कि हमारा संविधान से अलग अलग तत्व तो अलग अलग स्रोत से लिया गया है, लेकिन हमारा संविधान के कई तत्व ऐसे हैं जो हमारे संविधान को एक अलग पहचान देते हैं, जिसमें एक तत्व याद होगा कि त्रिस्तरीय संघवाद, यानी कि पहले संघ, फिर के राज्य और उसके बाद पंचायती राज, याद रखिएगा, वो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए हम शुरू करते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन है। 1949 में जो संविधान अपनाया गया, उसमें उनके अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। यानी कि 1949 में जो संविधान था उसमें बहुत ऐसे परिवर्तन हो गए हैं, विशेष रूप से 7वें, 42वें, 44वें, 73वें, 74वें और 97वें संशोधन में संविधान में कई बड़े बदलाव करने वाले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था, जो 1976 में होता है, उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसका सिंपल से मतलब है दोस्तों कि बहुत ज्यादा संशोधन हुआ होगा, बहुत ज्यादा बदलाव हुआ होगा, इसलिए उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। हालांकि केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देते। यानी कि केशवानंद भारती, बहुत प्रसिद्ध मामला है दोस्तों ये केशवानंद भारती मामले। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय अपने एक मतलब मान लीजिए फैसले में ये व्यवस्था दी, बताया कि संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता, बस यही बात है। संविधान की विशेषताएं देख लेते हैं। अब संविधान के वर्तमान रूप में कई निम्नलिखित विशेषताएं, सबसे लंबा लिखित संविधान ये देख लीजिए। संविधान में दो वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे लिखित अमेरिकी संविधान और अलिखित ब्रिटेन तथा ब्रिटेन का संविधान। यानी कि अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान। ये दोस्तों, ये अलिखित का मतलब ये नहीं है कि मतलब लिखा नहीं है, लिखा गया है, पेपर पे लिखा गया है, लेकिन जैसे हम लोग का संविधान एक बुक के टाइप में है ना, अमेरिका का संविधान एक किताब के टाइप में है ना, एक किताब है उसी में सब कुछ लिखा गया है, तो ऐसा नहीं है। ब्रिटेन के संविधान ऐसा कुछ भी नहीं है, अलग अलग पेपर बना के रखे गए हैं। ओके दोस्तों, कंप्यूटर में रखे गए हैं, मतलब लिखित रूप से किसी एक किताब में सब कुछ नहीं समेटा गया है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत बृहद समर्ग और विस्तृत दस्तावेज है, याद रखिएगा। मूल रूप से 1949 संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भागों में विभक्त और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 2016 में एक प्रस्तावना, 465 अनुच्छेद, 25 भागों में विभक्त और 12 अनुसूचियां है, याद रखिएगा दोस्तों, इतना चेंजेज आया है। सन 1951 से हुए विभिन्न संशोधनों के करीब 20 अनुच्छेद व एक भाग 8 को हटा दिया गया। यानी 1951 से विभिन्न संशोधनों के करीब 20 अनुच्छेद व एक भाग 7 को हटा दिया गया है। उनमें करीब 90 अनुच्छेद, 4 भागों को 9, 4 को, 9 ख और 14 को और 4 अनुसूचियां 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया है, याद रखिएगा दोस्तों। विश्व के किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियां उपलब्ध नहीं है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा हमारे ही संविधान में। भारत के संविधान को विस्तृत संविधान बनाने के पीछे निम्नलिखित 4 कारण है। भौगोलिक कारण, भारत का विस्तार और विविधता, यानी कि भारत बहुत बड़ा देश है,
और अलग अलग विविधताएं, राजनीतिक व्यवस्थाएं, भाषाई विविधताएं पाई जाती है, क्षेत्रीय विविधता, ऐतिहासिक। इसको उदाहरण के रूप में भारत का शासन अधिनियम 1935 का प्रस्ताव में प्रभाव में देखा जा सकता है। यह अधिनियम बहुत विस्तृत था। 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया था उसको भी देखा जा सकता है, वह भी अधिनियम बहुत ही विस्तृत था। जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान, जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए सिर्फ एक संविधान है, लेकिन अब उसे भी अब कश्मीर के लिए भी वही संविधान है जो बिहार के लिए है, जो यूपी के लिए है, जो पूरे देश के लिए है, तो अब कोई ऐसा चेंज नहीं रहा। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व, संविधान सभा में कानून विशेषज्ञ का प्रभाव जो था वो बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कानून से को जानने वाले व्यक्ति थे। ओके दोस्तों, याद रखेगा। चलिए आगे देखते हैं। संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्रों में जिन मामलों में आम विधानों अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाटी को छोड़ दिया गया है उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया है। यानी कि जो कुछ ऐसे बात है जो दूसरे संविधान में नहीं लिखा गया है, जो न्यायालय अपने आप बोल देती है कि ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, या आम जनता के मन से किया जाता है, उसे भी भारतीय संविधान में शामिल किया गया है कि नहीं, इसको भी लिखना जरूरी है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। विभिन्न स्रोतों के आगे विस्तृत से पढ़ेंगे ना तो पता चल जाएगा क्या कैसे लिखा है। ओके दोस्तों, आप भाग सब आएगा मूल अधिकार मूल कर्तव्य उस समय। विभिन्न स्रोतों से विहित भारत के संविधान में अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों संविधानों, भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंध से। डॉक्टर अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। यानी कि बहुत ऐसे संविधान है विश्व को जिनको पढ़ा गया भारतीयों के द्वारा, भारतीय संविधान लेखकों के द्वारा, भारत संविधान मेकरों के द्वारा, और फिर ये संविधान एक छान के बनाया गया है। जैसे मान लीजिए थोड़े देर के लिए हम 20 पुस्तक पढ़े और उसमें से जो हमें अच्छा लगा अच्छी अच्छी चीज छान कर रख दिए। ओके दोस्तों, तो चलिए हम आगे देखते हैं। संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ओके दोस्तों, संविधान का दार्शनिक भाग मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित है। ओके दोस्तों, मैं इसलिए बोलता हूँ कि मेरा भी एज कम है, इसलिए मैंने दोस्तों बोलता हूँ। दोस्तों, संविधान का अधिकांश ढांचा हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। संविधान का दार्शनिक भाग मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित है, याद रखिएगा दोस्तों। इसलिए मैं दोस्तों इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरा भी एज ज्यादा नहीं है। मैं भले ही स्टडी बहुत दिन से यूपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ, 2016 से कर रहा हूँ, अभी तक कर रहा हूँ, 5 साल हो गए मुझे करते करते, इसलिए आप लोगों को थोड़ा बेसिक हेल्प कर देता हूँ यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन मेरा भी एज नहीं है ज्यादा, इसलिए मैं आप लोगों को दोस्तों भाइयों बोलता हूँ। ओके दोस्तों, भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग संघीय सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधेयक का संबंध का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ओके भाइयों, चलिए अब हम आगे देखते हैं। संविधान के अन्य प्रावधान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर या जो कि अब रूस बन गया है, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों के संविधान से लिया गया है। ओके भाइयों, संविधान भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव और भारतीय सामग्री का स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 रहा। यानी कि सबसे ज्यादा जहां से कोई बात लिया गया, जहां से कोई प्रावधान लिया गया, वो भारत शासन अधिनियम 1935 रहा। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपालिका, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग, अधिकतर प्रशासनिक विवरण इसी से लिए गए हैं। संविधान के अधिक प्रावधान या तो 1935 के अधिनियम के समान या फिर इससे मिलते जुलते हैं। यानी कि 1935 में जो भारत शासन अधिनियम था उसी से संविधान उसी के समान है या तो उसी से मिलते जुलते हैं, ज्यादा चेंज नहीं किया गया है उसमें। ओके दोस्तों, नाम्यता और अनाम्यता, ये देखिएगा, नाम्यता और अनाम्यता का मतलब हो गया कि नाम्यता मतलब हो गया कठोर मतलब नरम, और अनाम्यता मतलब हो गया कठोर। तो इसमें ये कठोर भी है और अकठोर भी है, यानी कि नरम भी है, इसलिए बोला गया नाम्यता और अनाम्यता, याद रखिएगा दोस्तों। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं। संविधान के नाम्यता और अनम्यता के दृष्टि से वर्गीकृत किया गया कठोर व अनम्य संविधानों उसे माना जाता है।
जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान, यानी कि अमेरिकी संविधान में इतना जल्दी कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये याद रखिएगा भाइयों। लचीला या अन्य संविधान नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे किसी आम चुनाव, आम कानूनों का निर्माण, जैसे ब्रिटेन का संविधान, यानी कि ब्रिटेन के संविधान को आम कानून के निर्माण के जैसे ही संशोधित भी किया जा सकता है, याद रखिएगा भाइयों। भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर है, याद रखिएगा, बल्कि यह दोनों का मिलता जुलता रूप है। अनुच्छेद 368 में दो तरह के संविधानों का प्रावधान है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब कुछ उपबंध को संसद के विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, उदाहरणार्थ दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का दो तिहाई बहुमत, प्रत्येक सदनों में कुल सदस्यों का बहुमत जो कि 50% से अधिक हो, याद रखिएगा भाई। फिर से समझा देता हूँ, कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, उदाहरण दोनों सदनों में उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का दो तिहाई बहुमत जो उपलब्ध है उसका 2/3 बहुमत, और कुल सदस्यों का बहुमत यानी कि कुल सदस्य जो है उसमें से 50% उपलब्ध भी होना चाहिए कम से कम। कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है, यानी कि उसमें विशेष बहुमत भी चाहिए, ओके, और 50% से ज्यादा राज्यों का, मतलब उसमें 50% से ज्यादा राज्य को मानना भी चाहिए, उसमें उसके लिए एग्री भी करना चाहिए। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में बहुमत समान बहुमत के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है। उल्लेखनीय है यह संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते, याद रखिएगा भाई। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में समान रूप से बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। उल्लेखनीय संशोधन 368 के तहत नहीं आते, यानी कि कुछ आम प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया के द्वारा भी किया जा सकता है जो 368 के तहत नहीं आता। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय संविधान, ये देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान का भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है, इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान है, जैसे दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय आदि, याद रखिएगा। दो सरकार यानी कि केंद्र सरकार राज्य सरकार, शक्तियों का विभाजन यानी कि केंद्र राज्य और के बीच में, लिखित संविधान यानी कि एक ही संविधान है लिखित हमारा, संविधान की सर्वोच्चता यानी कि कानून ही सब कुछ है, संविधान सबसे ऊपर है, संविधान की कठोरता यानी कि संविधान कठोर है, संविधान के स्वतंत्र न्यायपालिका यानी न्यायपालिका पर किसी सरकार का भी हस्तक्षेप नहीं है, वह स्वतंत्र है, द्विसदनीय यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है, जैसे एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्य की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान। यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मक और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है, यानी कि ये सब जो है वो गैर संघीय लक्षण है, जैसे एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्य की पाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, यूपीएससी, यूपीएससी वगैरह, आपातकालीन प्रावधान, ये सब गैर संवैधानिक लक्षण है। फिर भी संविधान में कहीं भी गैर संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, याद रखिएगा दोस्तों, ये जो संघीय शब्द है ये संविधान में कहीं भी उपयोग नहीं किया गया है, ओके दोस्तों। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख संघों का राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, इसके दो अभिप्राय हैं। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, यानी कि जैसे अमेरिका में है कि बहुत सारे राज्य मिलकर डिसाइड किए कि हम एक देश बनेंगे, तो राज्यों के फैसले का निष्कर्ष है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यह राज्यों को इससे अलग होने का किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई भी राज्य को इतना अधिकार नहीं है कि वह संघ को बोल दे कि हमें अपना अलग देश चाहिए, हम अलग राज्य बनाएंगे, ओके दोस्तों। इसी वजह से भारतीय संविधान को नामांकित नाम दिए गए हैं, जैसे कि एकात्मकता की भावना में संघ अर्थ संघ, केशी वेरे जो थे वो अर्थ संघ कहे हैं, यानी कि अर्ध संघ कहा गया है इसको,
ओके बार्गेनिंग फेडरलिज्म यानी कि मतलब नेगोशिएटिंग मतलब कम थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके संघवाद बनाया गया है। मोरिस जोन्स बहुत ही फेमस थे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि दोनों राज और संघ दोनों में मतलब दोनों के मेलजोल से बना संविधान और दोनों के मेलजोल से चलता है। ग्रेनविल ऑस्टिन कहा है फेडरेशन विद अ सेटेलाइजिंग टेंडेंसी, या आइवर जेनिंग्स व अन्य कहे हैं, याद रखिएगा दोस्तों। पहले हम पांचवा पॉइंट देख लेते हैं। सरकार की सदस्य संसदीय रूप, भारतीय संविधान के अमेरिका के अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका का मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन का सिद्धांत पर आधारित है। संसदीय प्रणाली के सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है कि संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। भारत के संसदीय प्रणाली की व्यवस्था निम्नलिखित है, चलिए हम आगे देख लेते हैं। वास्तविक और नाम मात्र के कार्यपालिका की उपस्थिति यानी कि वास्तविक और नाम मात्र के कार्यपालिका, वास्तविक यानी कि राष्ट्र यानी कि प्रधानमंत्री, हमारा नाम मात्र यानी कि राष्ट्रपति। बहुमत वाले दल की सत्ता यानी कि जिसको बहुमत मिल गया वो अब 5 साल कानून शासन करेंगे। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संस्तुति जवाबदेही, कार्यपालिका जो भी काम करेगी उसे विधायिका के समक्ष जवाब देना पड़ेगा यानी कि कानून ही सर्वोच्च है। विधायिका से मंत्रियों की सदस्यता, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व यानी कि देश में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री। निचले सदन का विघटन, लोकसभा अथवा विधानसभा निचले सदन का विघटन, चलिए हम आगे देखते हैं। हालांकि भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों सदनों में मूलभूत अंतर है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है यानी कि संसद ही सब कुछ नहीं। इसके अलावा भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है गणतंत्र, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था यानी कि यहाँ का जो प्रधान है जैसे राष्ट्रपति उसे निर्वाचित किया जाता है, जिनके नाम पर शासन चलता है, जो इस देश के सर्वोपरि होते हैं, लेकिन वहाँ पे राजा रानी वाला सिस्टम अभी भी है। किसी भी संसदीय व्यवस्था में चाहे वो भारतीय ही क्यों भारत की हो अथवा ब्रिटेन की, प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। जैसे कि राजनीति के जानकार इसे प्रधानमंत्री सरकार का नाम देते हैं यानी कि यहाँ पे जो सरकार है वो इसको संसदीय व्यवस्था कर लीजिए चाहे प्रधानमंत्री, यानी कि जिसकी बहुमत है जिसका प्रधानमंत्री है वही सब कुछ है, याद रखिएगा दोस्तों बात वही है। और हमें सब कुछ पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पे मैं ये काला टिक लगाता हूँ अब मैं बता दूंगा कि पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, वही आप लोग देखिएगा, वही से नोट बनाइएगा, इतना लिखिएगा तो पागल हो जाएगा, या तो फिर आप लोग बुक में हाईलाइटर लेके और ऐसे निशान लगा लीजिए या फिर इसको ऐसे घेरा बना लीजिए जैसे मैं बताता हूँ, तो पेन से घेरा बना लीजिए बुक खरीद के, या तो फिर हाईलाइटर लीजिए और ऐसे मार दीजिए। ओके दोस्तों, ओके भाइयों, चलिए हम शुरू करते हैं। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय यानी कि न्यायालय की सर्वोच्चता है और संसदीय संप्रभुता यानी कि संसद जो कर देगा, संसद संप्रभु है उसमें समन्वय यानी कि मिलजुल से किया जाता है काम। ऐसा नहीं है कि दोनों ही मतलब न्यायालय ही है कि वही सब कुछ है, वो जो बोल देगा वही होगा, संसदीय है वो जो कानून बना देगा वही होगा, ऐसा नहीं है। दोनों का हिसाब किताब किया जा सकता है, दोनों का न्यायिक सर्वेक्षण किया जा सकता है, समीक्षा किया जा सकता है। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, संसद की संप्रभुता ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायिक की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है, याद रखिएगा दोस्तों, ये सब याद रखिएगा दोस्तों, जहाँ पे मैं टिक लगा तो ये अमेरिका से लिया गया है, ये संसद से, क्योंकि ये पीटी में पूछ सकता है। ओके दोस्तों, जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय से कम है, यानी कि संसदीय प्रणाली जो है वो भी ब्रिटिश सरकार से पूरा मिलता जुलता नहीं है, थोड़ा सा भिन्न है।
उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति जो है वो भी अमेरिका संविधान से थोड़ा सा कम है, वहां पे ज्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि का नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारत संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि विधि का नियत प्रक्रिया प्राप्त है, यहाँ पे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्राप्त है, याद रखिएगा दोस्तों अनुच्छेद 21। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता अमेरिका के न्यायिक सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने के लिए दोनों तरफ से दोनों लिया गया और दोनों एक तराजू पे बराबर रहे, ऐसा कुछ किया गया है। ओके दोस्तों, एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा के शक्ति के तहत संसदीय कानूनों असंवैधानिक घोषित करता है, संसदीय कानून को भी असंवैधानिक घोषित कर सकता है अगर उसे लगता है, वही दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े बड़े भाग को संशोधित कर सकते हैं, यानी कि कोई भी कानून है उस कानून को संशोधित कर दो, न्यायपालिका भी कुछ नहीं है वाला सिस्टम। लेकिन याद रखेगा दोस्तों, संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, यानी कि प्रस्तावना जो है उसमें संशोधित नहीं किया जा सकता। चलिए हम आगे देखते हैं भाग 7, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। ओके दोस्तों, यानी कि जो कानून सुप्रीम कोर्ट में लागू होगी वही कानून अधीनस्थ न्यायालय में, भले ही इसका सेंटर अलग अलग हो उच्च न्यायालय, लेकिन कानून एक ही है और ये स्वतंत्र भी है। हर एक जगह हर न्यायपालिका स्वतंत्र है, यानी कि एक ही न्यायपालिका है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। इसके नीचे स्तर पर उच्च न्यायालय है। राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय जैसे जिला अदालत व अन्य निचली अदालत, न्यायालयों का एकल तंत्र केंद्रीय कानून के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करता है। हालांकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका में लागू होते, लेकिन यहाँ पे नहीं है दोस्तों। यहाँ पे अगर बिहार सरकार कोई कानून बनाया तो वो बिहार में तो लागू होगा ही, प्लस जो केंद्र सरकार बनाया वो भी कानून बिहार में लागू होगा। अगर केंद्र कानून बना देता है कि बिहार कानून आज से नहीं बनेगा, बिहार का ये कानून लागू नहीं होगा, तो बिहार उस पर कानून ही नहीं बना सकेगा। बच्चा अमेरिका में नहीं है, अमेरिका में केंद्र का अपना कानून है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का अपना कानून है, राज्य का अपना कानून है, वो जो भी कानून बना दे वो वहां पे लागू होगा। चलिए दोस्तों आगे हम देखें, सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है, यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान का संरक्षक है, याद रखिएगा पीटी के लिए पूछ सकता है। इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान दिए गए, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन, विधायिका में संसद न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक, न्यायवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक, अवमानना के लिए दंड देने के लिए सख्त, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना, याद रखे ये सारे पॉइंट जो है ना इसे याद रखे। न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें, सर्व भारत के संचित न्याय निधि, सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन, विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज के चर्चा पर रोक, सेनावृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक, सेवानिवृत्ति के बाद अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, और कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने की इत्यादि। चलिए अब हम देख लेते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार, वैसे तो यहाँ शॉर्ट में दिया होगा, आगे हम लोग इसको विस्तार से करेंगे, फिर भी हम देख लेते हैं। भारत के संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया, जो कि पहले 7 था। कानून के अधिकार को हटा दिया गया, समिति का अधिकार को हटा दिया गया, उसे कानून के अधिकार बना दिया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। समता का अधिकार 1914 से 1918, स्वतंत्रता का अधिकार 1919 से 1922, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देने है। यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानून पर निरोधक की काम करती है। उल्लंघन की स्थिति में
न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है, जो अधिकार की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध अधिकार अधिकार परीक्षा उत्प्रेषण जैसे अभिलेख या रिट जारी कर सकता है। याद रखिएगा, आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय में इसके लिए चैलेंज कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले अधीनस्थ न्यायालय जाओ, फिर सुप्रीम हाई कोर्ट जाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट, सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं मूल अधिकारों का हनन में। हालांकि मौलिक अधिकार कुछ समय दायरे में आते हैं, जैसे कि अपरिवर्तनीय भी नहीं है। संसद इन्हें संविधान संशोधन के नियम के माध्यम से समाप्त भी कर सकती है अथवा इनमें कटौती भी कर सकती है। अनुच्छेद 20-21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित भी किया जा सकता है, यानी कि 19-20 में जो अधिकार दिया गया है उसको छोड़कर इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्थगित भी किए जा सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अब हम देख लेते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताएं है। यह इसका उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया है। इन्हें मोटे तौर पर तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, सामाजिक, गांधीवादी तथा उदार बौद्धिक। याद रखिएगा दोस्तों, ये तीन भागों में विभक्त किया गया। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्यों का स्थापना करना है। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व को कानून के रूप में लागू नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा दोस्तों, ये पीटी के लिए पूछ सकता है कि क्या नीति निर्देशक को कानून के रूप में लागू किया जा सकता है, तो आपको लिखना है नहीं। संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में से सिद्धांत मौलिक है और यह देश की जिम्मेदारी है कि वो कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए, इसलिए इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है। किंतु इसकी पृष्ठभूमि वास्तविक शक्ति राजनीति का अर्थात जनमत, यानी कि इनको भी ध्यान में रखकर कानून बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये कानून नहीं है, कानून के रूप में इसे लागू नहीं किया जा सकता है, कुछ भी कानून बना देंगे इनको भी। आप देखते हैं मिनर्वा मिंस मामले, बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला था ये दोस्तों। 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संविधान भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। अब देख लेते हैं दोस्तों, 10वां मौलिक कर्तव्य। ओके दोस्तों, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम के से आंतरिक आपातकाल 1975 से 77 के दौरान शामिल किया गया था। 2002 में 46वें संविधान संशोधन के एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। संविधान के भाग चार ए भाग में एक मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, जिनका केवल एक अनुच्छेद 51 को है। इसके तहत तो प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान के राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगान का आदर करे, राष्ट्र की संप्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करे, हमारी निश्चित संस्कृति के समृद्धि धरोहर का अनुरक्षण करे, सभी लोगों में आपसी भाईचारे की भावना का विकास करे, यानी कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। मौलिक कर्तव्यों के कर्तव्य नागरिकों को याद दिलाते हैं कि अपने अधिकार का इस्तेमाल करते समय ये याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने समाज, देश व अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करना है। नीति निर्देशक तत्व राज्यों के तरह राज्यों के लिए कानून के रूप में लागू नहीं किया जा सकता। नीति निर्देशक तत्व जो है राज्यों के कानून के तरह लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन मौलिक अधिकार जो है, जैसे एक कहावत था दोस्तों कि छड़ी उतना घुमाइए कि दूसरों को चोट न लगे, लेकिन आपको जैसे हमें बोलने की स्वतंत्रता है, भाषण देने की स्वतंत्रता है, लेकिन गाली देने की स्वतंत्रता नहीं है। भाषा को मर्यादा में रखकर ही हम कुछ बोल सकते हैं। याद रखे वही हुआ मौलिक कर्तव्य, छोटी सी लाइन में समझिए साधारण सी भाषा में। अब हम देख लेते हैं एक धर्म निरपेक्ष राज्य। भारत का संविधान धर्म निरपेक्ष है, या किसी भी धर्म विशेष के नाम विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है। संविधान के निम्नलिखित प्रावधान भारत के धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को दर्शाते हैं। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की
प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, यानी कि पहले धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था 1976 में जोड़ा गया। दोस्तों याद रखिएगा, संविधान हर भारतीय नागरिक के आस्था, पूजा अर्चना और विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, यानी कि वह किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, किसी भी धार्मिक आयोजन का धर्म के कार्यों का आयोजन कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष सामान्य समझा जाएगा, उसे कानून के समान अन्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी, यानी कि कानून की नजर में न जात है, न पात है, न लिंग है, न धर्म है, सब समान है। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15, सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे, ऐसे किसी भी नौकरी में समान अवसर दिए जाएंगे, कोई योजना आएगा तो उसमें समान अवसर दिए जाएंगे, याद रखिएगा दोस्तों। अब हम देख लेते हैं, हर व्यक्ति को किसी धर्म को अपनाने व उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है, यानी कि वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म का पूजा अर्चना कर सकता है हर, लेकिन कोई व्यक्ति किसी को अपना धर्म जबरदस्ती नहीं मनवा सकता, याद रखिएगा दोस्तों। हर धार्मिक समूह अथवा इसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है, 1926 अभी जो मैंने बोला था। किसी भी व्यक्ति को भी किसी भी धर्म विशेष प्रचार प्रचार के किसी प्रकार का कर देने के बाद नहीं किया जा सकता, यानी कि आप अगर किसी धर्म के लिए प्रचार करते हैं या किसी धर्म विशेष के लिए कोई पूजा अर्चना करते हैं या किसी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, उसके लिए आपको जो भी खर्चा होगा उसका कर नहीं देना पड़ेगा। ओके दोस्तों, इसीलिए लोग लंगर चलाते हैं, इसीलिए लोग मंदिर में ट्रस्ट के नाम पर काम करते हैं ताकि कर को बचाया जा सके, इसी यही सबसे कर भी चोरी होता है, याद रखिएगा दोस्तों। हमारे हिसाब से इस सब पे भी कर लगा देना चाहिए, जो 5-10% लगाओ, जो 100 रुपया खर्च कर सकता है वो 10% कर भी दे सकता है, लेकिन यहाँ तो नहीं, यहाँ पे नहीं लगाया गया, इसी कारण इसका मिसयूज भी होता है, याद रखिएगा दोस्तों। किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे, किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान जो है वहाँ पे किसी धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दिया जाएगा कि आपको कुरान पढ़ना है, आपको गीता पढ़ना है, आपको ईसाई का बाइबल पढ़ना है, आपको सिर्फ वही पुस्तक पढ़ाया जाएगा जो कि एक बेसिक है, जो कि हमारे शिक्षा के लिए जरूरी है। नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है, यानी कि जैसे मेरा भाषा मैथिली है, आपका भाषा मगही है, किसी का भाषा हिंदी है, तो उसको संरक्षित करने का उसको अधिकार है। ओके दोस्तों, उसका प्रचार प्रसार करने का उसको अधिकार है, ऐसा नहीं है कि भारत की भाषा हिंदी है या भारत की भाषा इंग्लिश है तो आप उर्दू में या आप मैथिली में या भोजपुरी में इस देश में नहीं बोल सकते हैं, इस देश में कोई कार्यक्रम स्थापित नहीं कर सकते, इस देश के सोशल मीडिया पर नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं है। ओके दोस्तों, अल्पसंख्यक को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों का स्थापना उन्हें संचालित करने का भी अधिकार है, यानी कि जो अल्पसंख्यक है वो अपने पसंद से अपने भाषा के अनुसार अपने संस्कृति के अनुसार किसी सार्वजनिक या निजी संस्थानों का भी स्थापना कर सकते हैं और उन्हें संचालित कर सकते हैं, यानी मालिकाना हक उसका है, सरकार उस पर कोई आपत्ति नहीं जताएगी। अब देख लेते हैं आगे, राज्य सभी नागरिकों के लिए सामान्य नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा। धर्म निरपेक्ष के पश्चिमी अवधारणा धर्म चर्च व के राज्य राजनीति के बीच पूर्ण अलगाव रखती है। धर्म निरपेक्षता की यह नकारात्मक अवधारणा भारतीय परिवेश में लागू नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ का समाज बहुत धर्मी है, इसलिए भारतीय संविधान में किसी भी धर्म को समान आदर अथवा किसी सभी धर्म को समान रूप से रक्षा करते हुए धर्म निरपेक्षता का सकारात्मक पहलू शामिल किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा संविधान ने विधायिका में सभी धर्म के आधार पर कुर्सी का आरक्षण देने वाले पुराने धर्म आधारित प्रतिनिधि को भी समाप्त कर दिया है। ओके भाई, इसके अलावा संविधान के विधायिका में जो धर्म के आधार पर कुर्सी देना या कुर्सी के नाम पर यानी कि नौकरी जो आरक्षण दी जाती थी कि आप ब्राह्मण है तो आप ये करेंगे, आप वैश्य है तो आप ये करेंगे, वो भी समाप्त कर दिया गया। हालांकि संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति को उचित प्रतिनिधि प्रदान करने के लिए अस्थायी आरक्षण प्रदान करता है, ये एक अपवाद है, याद रखिएगा दोस्तों। तो ये जो है ये अपवाद ही मानिए, ST SC वाला सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी कि सभी 18 वर्ष से ऊपर के जो है वो वयस्क मताधिकार दे सकते हैं,
ज्यादा नहीं पढ़िएगा, पहले 21 वर्ष था इससे घटा कर 1988 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा 18 वर्ष कर दिया गया, ज्यादा नहीं पढ़ना है हमें। एकल नागरिकता यानी कि यहाँ पे एकल नागरिकता है, जैसे अमेरिका में, हम थोड़ा फास्ट से चल रहे हैं दोस्तों, जैसे अमेरिका में नहीं है कि संघ का अपना नागरिकता है और राज्य का अपना नागरिकता है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। एक बार आप पढ़ लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है वो हम बता रहे हैं। ओके दोस्तों, यद्यपि भारतीय संविधान फेडरल व दुलक्षणु एकल व संघीय का प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें केवल नागरिकता एक ही है, याद रखिएगा। ओके दोस्तों, दूसरी ओर अमेरिका देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल देश की नागरिकता होती है, बल्कि जिस राज्य में रहता है उसकी भी नागरिकता, अभी जो मैंने बताया था कि उसके पास संघ का भी नागरिकता है, देश का भी नागरिकता है और राज्य का अपना अलग नागरिकता है, यानी कि अगर आप दूसरे राज्य में जाके घर बनाते हैं तो आपको नागरिकता चेंज करनी पड़ेगी, इसलिए वो अधिकारों में दो समूह का लाभ उठाता है, पहला राष्ट्रीय या दूसरा राज्य द्वारा प्रदत्त। ओके दोस्तों, भारत में सभी नागरिकों को चाहे वह किसी भी राज्य में पैदा हुए हो रहते हैं, संपूर्ण देश में नागरिकता के सामान्य राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान है, यानी कि आप बिहार में है कि उसे दिल्ली में भी रह सकते हैं, उन्हें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभा कुछ मामलों जैसे जनजातीय क्षेत्र जम्मू कश्मीर इत्यादि में आप नहीं बस सकते हैं, सभी नागरिकों के लिए, लेकिन आप जम्मू कश्मीर में बस सकते हैं, याद रखिएगा दोस्तों ये चेंज हो गया। सभी नागरिकों के लिए एकल नागरिकता और समान अधिकारों के संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भारत में सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जनजातीय युद्ध, भाषाई विवाद व निर्जातीय विवाद होते रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि संविधान के निर्माताओं ने एकीकृत संगठित भारत राष्ट्र के निर्माण का जो सपना देखा था वो पूरी तरह पूरा नहीं हो पाया है, याद रखिएगा। अभी भी हम पूरी तरह से कामयाब नहीं हो गए संविधान को लागू करने में, ये सब होते रहते हैं लोगों की मूर्खता के कारण। स्वतंत्र निकाय, भारत के संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार, केंद्र और राज्य न्यायिका का अंग उपलब्ध कराता है, अंग ही उपलब्ध कराता है, बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना करता है। इन्हें संविधान के भारत सरकार के लोकतंत्र के रूप के संप्रभु महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में प्रकीर्तित किया गया है। कुछ ऐसे स्वतंत्र निकाय निम्नलिखित है, संसद, अन्य विधान सभाओं, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन आयोग, याद रखिएगा दोस्तों निर्वाचन आयोग का बात किया गया है। राज्य और केंद्र सरकार के खातों के अनेक्षण के लिए भारत के निकाय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन जनता के पैसे के संरक्षण और खोते भारत सरकार द्वारा दिए गए खर्चों के वैधानिकता और उन्हें उचित होने पर टिप्पणी करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC, राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि PCS, BPSC, UPPCS इत्यादि। आपातकालीन प्रावधान महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। आपातकाल की स्थिति में प्रभावशाली ढंग से निपटारे के लिए भारतीय संविधान के राष्ट्रपति के लिए बृहद आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। इन प्रावधानों को निम्नलिखित संविधान में शामिल करने के उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा, संविधान के देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना है, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, तीन आपातकाल यानी कि अगर संविधान की एकता अखंडता अगर खतरे में पड़ती है तो इस सबको लागू किया जाता है। राष्ट्रीय युद्ध, आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह के पैदा हुई राष्ट्रीय अशांति के अवस्था के कारण में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लाया जा सकता है। राज्य में आपातकाल राष्ट्रपति शासन, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता अनुच्छेद 356 व केंद्र के दिशा निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता अनुच्छेद 365 के तहत लगाया। वित्तीय आपातकाल, भारत की वित्तीय स्थिरता व प्रत्यय संकट में हो तो अनुच्छेद 360 के तहत आपातकाल लगाया जा सकता है, याद रखिएगा दोस्तों। अब देखते हैं त्रिस्तरीय सरकार जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, दुनिया से अलग बनाती है इसे। मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में दो स्तरीय व्यवस्था, केंद्र और राज्य संगठित संगठन के संविधान के प्रावधान, केंद्र और राज्यों की शक्तियां अंतर्विष्टि थी। बाद में वर्ष 1992 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन ने त्रिस्तरीय स्थानीय सरकार का प्रावधान किया, जो कि विश्व के किसी संविधान में नहीं आई है, कि जो पंचायती राज है यह सिर्फ हमारे संविधान है, बाकी विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है, याद रखिएगा दोस्तों। संविधान में एक नए भाग 9वें एवं नई अनुसूची 11वीं जोड़कर 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। इससे एक
नया भाग 9 जोड़ा गया। इसी प्रकार 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 में एक नए भाग 9A तथा नई अनुसूची 12वीं जोड़कर नगर पालिका शहरी स्थानीय सरकार को भी संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई। याद रखिएगा दोस्तों, विश्व के संविधान से हमको इसलिए अलग बनाता है, ये सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये देख लीजिए दोस्तों, क्षेत्र क्या है, तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4, नागरिकता 5 से 11, मौलिक अधिकार 12 से 35, राज्य एवं नीति, ये सब आप देख लीजिएगा दोस्तों। ये सब कोई खास नहीं है, पढ़ाने वाली चीज नहीं है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। और ऐसे ये सब पूछता भी नहीं है यूपीएससी। चलिए अब हम आगे देखते हैं, इसलिए ये सब पूछता भी नहीं है, इसलिए हम नहीं पढ़ा रहे, आप लोग बस देख लीजिएगा। और वैसे ऊपर विस्तृत दिया गया है, ये छाट कर दिया गया होगा दोस्तों, तो ये सब देखने की जरूरी भी नहीं है। चलिए हम आगे देखते हैं, अनुसूची वगैरह दिया गया है तो ये सब आप देख सकते हैं, नहीं तो जब हम संविधान वाला चैप्टर करेंगे ना, भारत का संविधान बुक है, तो उसमें हम लोग कर लेंगे। अब देख लेते हैं, एक सहकारी समितियां है, 97वां संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित परिवर्तन संविधान में किए गए। इसने सहकारी समितियां गठित करने के लिए अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। यह एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया। सहकारी समितियों को प्रोत्साहन के लिए अनुच्छेद 43B इस संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा। सहकारी समितियां दी कोऑपरेटिव सोसाइटी शीर्षक से अनुच्छेद 243ZH से लेकर 243ZT तक जोड़ा गया। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं थोड़ा संविधान की आलोचना, थोड़ा सा देख लेते हैं, ज्यादा नहीं देखना है क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत का संविधान जैसे कि संविधान सभा द्वारा बनाया गया अंगीकार किया गया है, आलोचना के आधारों पर की जाती है। उधार का संविधान, आलोचक कहते हैं कि संविधान में नया और मौलिक कुछ भी नहीं है, इसे उधार का संविधान कहते हैं। उधारी की एक बोरी अथवा एक होच पोच कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के संविधानों के लिए विभिन्न दस्तावेजों के पैबंद गिरी, लेकिन ऐसी आलोचना पर पक्षपातपूर्ण एवं अंतर्कृत, यानी कि ये कहते हैं कि आपने विभिन्न संविधान पढ़ा, उसे उठा के हमें एक संविधान दे गया, आपने कुछ अलग नहीं किया है, यही कहने का मतलब है। तो भाई दुनिया जिस हिसाब से चलेगी, ग्लोबल विश्व जिस हिसाब से चलेगा, विश्व की राजनीतिक उसी हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि हम मंगल ग्रह पे रह सकते हैं कि हम बोलेंगे कि नहीं आप लोग वहां पे दुनिया में मतलब समुद्र में आप लोग तेल निकालते हो, हम उसमें कचरा फेंकेंगे, ऐसा थोड़ी है यार। सभी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा ना, विश्व एक परिवार है, परिवार में सबको मिल लेके चलना पड़ता है। और जो स्थिति थी ना 1948 में दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, मैं सैल्यूट करता हूँ संविधान निर्माताओं की, एक तरफ दंगे, एक तरफ ट्रेन पे लाश इधर से उधर से जा रही है, और इन्होंने 2 साल में हमारा संविधान भी तैयार कर लिया दोस्तों, मैं इन लोगों को सैल्यूट करता हूँ। ओके दोस्तों, तो ऐसे ही आलोचक सबके होते हैं दोस्तों, आलोचक का काम ही है आलोचना करना। कुछ लोग होते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे अभी के सरकार में चल रहा है या पीछे भी सरकार में होता रहता है, जो कोई सरकार बोल दिया कि देश में जैसे कोई भी सरकार कुछ भी बोल दे, यार आलोचक किसी का भी हो सकता है। मैं जैसे अभी मेरे पास उतना सुविधा नहीं है कि मैं नॉर्मल तरीके से आप लोगों को, सुविधा था मेरे पास, मेरा 20,000 का नुकसान हो गया, 40,000 और 20,000 7,000 का नुकसान हो गया, इसलिए मैं फंस गया। जैसे आप लोगों को मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो कोई बोलेगा कि लैपटॉप पे क्यों पढ़ा रहा है, आलोचक तू बोर्ड खरीदता तो पढ़ा, तो आलोचक कुछ भी सब कह सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आलोचक पे ध्यान नहीं दे। 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी, ये भी कह देते हैं कि 1935 का जो अंग्रेज दिए थे वो हम आप लोगों ने मुझे दे दिया, ये भी कह देते हैं। भारतीय अथवा भारतीय विरोधी, यानी कि भारतीय आलोचक के अनुसार भारत का संविधान अभारतीय या भारतीय विरोधी है, क्योंकि यह भारत की राजनीतिक परंपराओं अथवा भावनाओं का प्रतिनिधि नहीं करता, ये भी कह देते हैं। तो कह तो कुछ भी सकते हैं। गांधीवाद से दूर संविधान, यानी कि उनका कहना है कि यह गांधीवाद के उस पर खड़े नहीं उतरते हैं। आलोचक के अनुसार भारत का संविधान गांधीवादी दर्शन और मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता, जबकि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है, यानी कि उनके अनुसार नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं। महाकाय आकार बोल देते हैं कि इनका आकार बहुत बड़ा है, ये भी बोल देते हैं।
उसके बाद बोलते हैं वकीलों का स्वर्ग, भारतीय का संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग। आलोचक के अनुसार भारत का संविधान बहुत जटिल है, उनके विचार में जिस कानूनी भाषा और मामलों को शामिल किया उनके चलते संविधान एक जटिल दस्तावेज बन गया है। वही सर आइवर जोनसन ने वकीलों का स्वर्ग भी कह देते हैं। तो आलोचक तो कुछ भी कर सकते हैं, बाकी एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो हम आप लोगों को पढ़ा दिए। ओके दोस्तों, वैसे यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कुछ था। उसी प्रकार जैसे यहाँ पे कह देता है, इसके संदर्भ में एस के महेश्वरी संविधान सभा के सदस्य का कहना है कि प्रारूप लोगों के लिए अधिक मुकदमेबाज बनाता है, मुकदमेबाज बनाता है, अदालतों की ओर अधिक उन्मुख होंगे या कल्प सत्यनिष्ठ होंगे। मतलब आलोचक तो कुछ भी कह सकते हैं यार, आलोचक तो आप ब्लू, आपको बोलेंगे कि ब्लू कलर का पहन के आना, ब्लू भी पहन के जाओगे ना तो बोलेगा ये पूरा डीप ब्लू नहीं है, लाइट ब्लू है, ये अच्छा नहीं लगा। आलोचक तो कुछ भी सा कह सके। जिस स्थिति में दोस्तों भारत का संविधान बनाना, एक तरफ पाकिस्तान से हमारी युद्ध चल रही थी, एक तरफ दंगे चल रहे थे, उधर से लाश इधर जा रहे थे, इधर से लाश, तो हमारे साथ ही पाकिस्तान आजाद हुआ, लेकिन उसका संविधान 1970 के बाद बना, याद रखिएगा दोस्तों। और हमने सिर्फ 2 साल में 1949 में हमने संविधान लागू भी कर दिया। दोस्तों जिस स्थिति में संविधान बना उसमें बहुत ही अच्छा काम किया गया, किसी का आलोचना नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी था, अच्छा संविधान बनाया। और कोई भी चीज एक बार में सुदृढ़ नहीं हो जाती है, धीरे 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 बदलाव करके उसको सुदृढ़ बनाया जा सकता है। ओके दोस्तों, तो ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, आलोचक कुछ भी कह सकते हैं, अच्छा संविधान है इसे हमें फॉलो करना चाहिए, और नहीं करेंगे तो इनको अदालत आपको फॉलो करवा देगी। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अब अगले लेक्चर में कल हम। ये हमारा लेक्चर 4 था, लेक्चर 5 में हम प्रस्तावना करेंगे। ओके दोस्तों, इसी के साथ हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। है आपका काम है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों में जिसको इनकी जरूरत है। ये दोस्तों यूपीएससी बीपीएससी से संबंधित मैं पढ़ाता हूँ, पीसीएस से संबंधित, लेकिन आप लोग छोटे एग्जाम वाले भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस भारतीय राजव्यवस्था हर एक एग्जाम में जरूरी होता है। तो आप इससे सबके साथ शेयर करिए, इनका नोट भी हम टेलीग्राम उपलब्ध कराता हूँ, और जो भी इसमें कमी नजर आती है कमेंट करके बताइए, लाइक करिए। ओके दोस्तों, शेयर करिए, और इसी के साथ हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। ओके दोस्तों, थैंक्स।